हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने पर्सनल या ऑफिशियल जीमेल अकाउंट में ईमेल फॉरवर्डिंग को कैसे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक वर्किंग ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे जिसमें हमें जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जीमेल अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में टॉप में सेटिंग वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। सेटिंग ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सी ऑल सेटिंग्स में क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फॉरवर्डिंग एंड पॉप स्लैश आई मैप वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। फिर उसके बाद हमें ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस पे क्लिक करना है। वहाँ पे हमें ईमेल अकाउंट टाइप करना है, वही ईमेल अकाउंट टाइप करना है जिस पे हमें ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होना चाहिए। ये जो मैं अकाउंट टाइप कर रहा हूँ, इस अकाउंट पे हमें ऑटोमेटिक हमारा ईमेल मिलेगा जो हमें पहले वाले ईमेल अकाउंट पे आएगा। कोई भी ईमेल आएगा वो यहाँ पे मिलेगा, तो हमें इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब हमारे जो हमने ईमेल अकाउंट यहाँ पे ऐड किया, उस अकाउंट पे हमें एक नोटिफिकेशन आएगा, एक कोड आएगा। वो कोड हमें यहाँ पे उसका जो भी ओटीपी होगा यहाँ पे डाल के उसको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो अब हमें क्या करना है, सेकंड वाले ईमेल को लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड के थ्री डॉट्स में जाना है। वहाँ पर हमें न्यू इनकॉग्निटो करके ऑप्शन आता है, कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाता है जो इनकॉग्निटो पेज कहलाता है। यहाँ पे हम जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा वाला जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है, वो दूसरा अकाउंट लॉगिन करना है जिसपे हमें ऑटोमेटिक ईमेल फॉरवर्ड किया हुआ मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है ईमेल अकाउंट, और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन भी आया है, कोड भी आया है। अब हमें क्या करना है, वो कोड को सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें पहले वाले अकाउंट में जाना है जहाँ पे हमने फॉरवर्डिंग ऐड किया है, वहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है, यानी कि या ये कोड जो हमें आया है वो वहाँ पर टाइप कर लेना है। और इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये डिसेबल फॉरवर्डिंग लिखा है, वहाँ पे फॉरवर्ड कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल्स को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसको हमें सेव चेंजेस कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। और ये जो ऊपर टॉप पे आपको मैसेज दिख रहा है, ये 7 डेज आपको नोटिफिकेशन रहेगा इनेबल, इसके बाद ये नोटिफिकेशन यहाँ से हट जाएगा। वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए वो नोटिफिकेशन वहाँ पे आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद वो ऑटोमेटिक 7 दिन के बाद चले जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे एक मोबाइल से यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ या कुछ टाइप करके भेजता हूँ, वो जो मैं टाइप करके यहाँ पे भेजूँगा वही ईमेल मुझे सेकंड वाले ईमेल पे ऑटोमेटिक फॉरवर्डेड मिलना चाहिए, यानी कि इसमें मैं जो भी कुछ भी ईमेल करूँगा वो हमें दूसरे अकाउंट पे भी रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा अगर हो रहा है तो हमने जो भी फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस सेट किया वो हमारा परफेक्ट है, हमारा वर्किंग है। ठीक है, तो हम जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ईमेल भेजा है और वो ईमेल मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है।
अब मुझे देखना है ये जो मैंने यहाँ पे पहले वाले ईमेल पे रिसीव हुआ है, यही सेम ईमेल मुझे सेकंड वाले अकाउंट में रिसीव हुआ है कि नहीं। तो अगर हमें सेकंड वाले अकाउंट पे रिसीव हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो भी सेटिंग है, जो हमने सेटिंग किया है, वो हमारा परफेक्ट है। अब हमें राइट साइड वाले ऑप्शन को इनेबल करके फिर से चेक कर लेना है और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें वो ईमेल यहाँ पर मिल चुका है। इसका मतलब ये है जो भी हमने सेटिंग किया है वो हमारा परफेक्ट है और ये वर्किंग है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर रखे, प्लीज़ आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, उन सब वीडियोज़ को देखिए जो भी आपसे रिलेटेड है, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको सेम टॉपिक के लिए किसी और पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।